हेलो नमस्ते सलाम दुआ वणक्कम प्रणाम सत श्री अकाल केम छु सारू छे। मैं शशांक आपका अपने चैनल टिप ट्यूशन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं हरिद्वार का अद्भुत मंदिर। हरिद्वार का अद्भुत मंदिर कुछ ही सालों पहले बना है और ये अद्भुत मंदिर है। ये कहाँ पर है वो मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा और यहाँ पर आपको कैसे पहुंचना है और वहां जाकर आप क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या घूम सकते हैं। कुछ लोग हरिद्वार हर साल आते हैं और कुछ लोग बहुत बार हरिद्वार आए हुए होंगे, फिर भी मुझे नहीं लगता कि सभी लोगों ने यह अद्भुत मंदिर देखा है, क्योंकि ये अद्भुत मंदिर अभी 2-3 साल पहले ही बना है। और इस मंदिर को हम अद्भुत ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, इस मंदिर का नाम ही अद्भुत मंदिर है। इस अद्भुत मंदिर के अंदर बहुत ही अद्भुत तरीके के रत्नों से बनाया हुआ मंदिर है। बाहर जहां तक कैमरा जाएगा वहां तक मैं आपको लेके जाऊंगा और जहां कैमरा नहीं जाएगा वहां पर आपको खुद ही आके घूमना होगा। अंदर क्या है वो मैं आपको मुंह से सब बता दूंगा, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको हरिद्वार आने के बाद हरिद्वार के भारत माता मंदिर से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह अद्भुत मंदिर है। जो अद्भुत मंदिर है, अद्भुत मंदिर एक बहुत ही अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर आकृति और कलाओं से बनाया हुआ अद्भुत मंदिर है। उसके अंदर बहुत ही बहुमूल्य स्टोन पत्थर के द्वारा सजावट की गई है और बहुत ही बहुमूल्य स्टोन उसमें देखने के लिए रखे गए हैं। तो आप आकर सभी तरह के स्टोन और बहुत सारी बहुमूल्य चीजें हैं जो समुद्र से निकलती है, आप उनको भी देख सकते हैं और अपने अनुभव को बढ़ा सकते हैं। ये अद्भुत मंदिर कैसा है और कैसे जाना है चलिए आपको दिखा देते हैं। आप देख रहे हैं ट्रिप ट्यूशन हिंदी में। हरिद्वार के अद्भुत मंदिर आने के लिए आप भारत माता मंदिर से ई रिक्शा द्वारा आ सकते हैं। अगर आपके पास अपना साधन है तो आप अपने साधन से भी भारत माता मंदिर से अद्भुत मंदिर पहुंच सकते हैं। अद्भुत मंदिर के अंदर बहुत ही भव्य नजारे हैं जो विभिन्न प्रकार की आकृतियों से बनाए हुए हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको एक जल कुंड देखने को मिलेगा, जिसमें पांव धोने के बाद ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर प्रांगण में 3 शेड लगा हुआ है और साथ ही ग्रीन मैट पड़ा है, जिससे आपके पांव भी धूप में फरस गर्म होने पर नहीं जलेंगे। मंदिर के बीचों बीच एक टावर है जिसके ऊपर कलश विराजमान है और भी बहुत सारे कलश, छोटे छोटे, बड़े और बड़े और उनसे बड़े, बहुत ही सुंदर कलश यहाँ पर शोभायमान है जो आप देख सकते हैं। जिस टावर के ऊपर कलश को रखा गया है उसमें 36 हाथों से दीपक को सजाया गया है जो कि रात्रि होने पर जल जाते हैं और एक बहुत ही सुंदर नजारा देखने को मिलता है। रुद्राक्ष जैसे बहुत ही बहुमूल्य पेड़ मंदिर के बगीचे में लगे हुए हैं। बगीचे में और भी बहुत हरियाली है जहां जाकर आपकी आंखों को बहुत सुकून मिलता है। साथ ही बच्चों के खेलने के लिए एक अच्छा गार्डन है, झूले हैं और आपको एक विचित्र सी चीज देखने को मिलेगी जो पक्षियों के लिए बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही सुंदर घर बनाए गए हैं जिन पर पक्षी आकर बैठते हैं और रहते हैं, जो कि इस गार्डन की शोभा में 4 चांद लगा देते हैं। ये छोटे छोटे इतने सुंदर घर हैं कि आप इनको देखकर हैरान रह जाते हैं और आपके छोटे बच्चे ने देखकर बहुत ही खुश होते हैं। मंदिर के चारों ओर बहुत ही अच्छी हरियाली है जहां पर मन को बहुत सुकून मिलता है।
मंदिर के बीचों बीच एक नादिया भगवान विराजमान है जो ब्लैक कलर के बहुत ही सुंदर स्टोन से बनाए गए हैं। साथ ही और भी बहुत ही सुंदर सुंदर आकृतियां आपको यहां पर देखने को मिलेगी जो आप देख सकते हैं। श्रद्धालु लगातार यहां पर आते हैं और अद्भुत मंदिर में पहुंचकर बहुमूल्य वस्तुएं भी देखते हैं और साथ ही भगवान शिव पार्वती के दर्शन करते हैं, जो कि मंदिर में एक ऐसी मूर्ति है। ध्यान से देखने पर कभी राधा कृष्ण नजर आते हैं तो कभी शंकर पार्वती नजर आते हैं, इसीलिए इस मंदिर को अद्भुत मंदिर भी कहा जाता है। यहीं पर गाय माता का एक बहुत ही सुंदर चित्र बनाया गया है। मंदिर प्रांगण को बहुत ही अच्छे से सजाया गया है जो कि देखने लायक है। साथ ही एक श्रीयंत्र बनाया गया है जो कि बहुत ही अच्छे स्टोन से बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई लगभग 10 फीट है। और मंदिर में इससे आगे कैमरा ले जाने की परमिशन नहीं है। अगर आपको अंदर जाकर बहुमूल्य वस्तुएं देखनी है तो यहां पर आपको आना होगा और मंदिर के अंदर जाकर देखना होगा। आगे बहुत ही भव्य नजारे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर हरिद्वार के साइड सीन की और भी बहुत सारी वीडियो हैं और प्लेलिस्ट भी है। आप वहां जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं और सभी वीडियो को देख सकते हैं। आने वाले समय में हम और भी हरिद्वार और चारधाम से जुड़ी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जल्दी ही एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।